साथ में आलू भाजी, चाय और सेवैयां। इतनी तेज बारिश हुई थी कि मजा आ गया देखकर। उधर देखो बंदर, सूरज नहीं निकला तो चांद क्या निकलेगा। तो मुझे लग रहा है चांद भी बहुत लेट आएगा, मतलब 11-12 बजेंगे। देखो चांद आया। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? तो वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। वो क्यों, वो मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि जैसा कि आपको सबको पता है महिलाओं को, कि आज करवा चौथ है, तो करवा चौथ की जो सुबह होती है, स्टार्ट होती है, वो 4 बजे के बाद स्टार्ट हो जाती है। तो अभी 4 बज चुके हैं और हम जो हैं प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने फूड की, कि हमें सरगी जो खानी है वो सरगी की तैयारी कर रहे हैं। तो हम लोग बना रहे हैं गोभी के पराठे, साथ में आलू भाजी, चाय और सेवैया, और साथ में मट्ठी, नारियल और फ्रूट। तो हम अभी पूरी प्रिपरेशन कर रहे हैं और प्रिपरेशन जैसे ही होती है तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो सरगी होती है वो मायके की तरफ से होती है, पर मम्मी बहुत दूर है तो वो मेरे लिए और पायल के लिए सरगी नहीं भेज पाए, क्योंकि मम्मा दिल्ली में है और हम चंडीगढ़ में हैं। तो नितिन भैया हमारे लिए सरगी लेकर आए हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि नितिन भैया मेरे लिए और पायल के लिए सरगी लेकर आए, जो कि हम अभी खाएंगे और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। आलू की सब्जी बन चुकी है, तो मैं आप बनाने जा रही हूँ गोभी के परांठे, साथ में बनाऊंगी चाय। तो आप लोग भी ज़रूर कमेंट में मुझे बताना कि आप लोगों ने सुबह सुबह सरगी में क्या क्या खाया। तो हम लोग नहा धो के रेडी हो चुके हैं, मतलब अभी मेकअप वेकअप नहीं करा, सिर्फ चूड़ियाँ पहनी हैं और कपड़े पहने हैं, और पायल कर रही है पूजा और मैं जा रही हूँ चाय चढ़ाने। अभी बज रहे हैं सुबह के 4:45, तो जस्ट अभी बारिश रुकी है और मौसम इतना ठंडा हो चुका है, मतलब ऐसा लग रहा है कि आज से सर्दियाँ शुरू हो गई है। मतलब मैं खड़ी हूँ ना तो मुझे ठंड लग रही है, और इतनी तेज़ बारिश हुई थी कि मज़ा आ गया देखकर। तो हमारी सब्जी बन चुकी है, मैं दिखाती हूँ आलू की सब्जी, और साथ में हमने बनाए हैं परांठे। तो ये मिक्स परांठे हैं और प्लेन परांठे हैं, जो कि हम सरगी में खाएंगे, बाकी नारियल भैया ने काट दिया अभी। तो ये जो सरगी बनी है, परांठे और सब्जी, ये सब लोगों की बनी है, मतलब मैं और पायल तो खाएंगे, हमारे साथ भैया भी खाएंगे, अरमान जी भी खाएंगे, नितिन भैया जो कैमरे के पीछे है वो भी खाएंगे, और प्रिंस भैया भी खाएंगे। पूरा भर दियो अच्छे से, मोहे रंग लगा दे। सही लगा ना? लग मेरी बात तुमने क्या किया, नाक पे गिर रही है। ये शगुन होता है, शगुन होता है, कमेंट में जरूर बताना ये शगुन होता है क्या। नहीं, शादी में जब दूल्हा भरता है दुल्हन की नाक पे गिरती है तो रिश्तेदार खुश होते हैं ना। मैं ये हटाऊंगी नहीं, इसको ऐसे रहने दूंगी। अच्छा लगा अच्छा लगा, मैंने इतना अच्छा लगाया तेरा, मैंने बहुत सुंदर लगाया मेरी तरफ से। आ जाओ सारी औरतों को, आप लोगों को मैं ये बताऊंगी कि हमारे फूडी भैया है, उनका भी आज फास्ट है, तो वो अपनी भाभी की अपनी वाइफ के लिए 7 साल से फास्ट रख रहे हैं। ये 7वां साल है। हाँ, ये 7वां साल। तो भैया सरगी यहाँ पे खा रहे हैं, और शाम को भैया की फ्लाइट है, तो भैया पहुंच जाएंगे मुंबई। ये मैंने चुन्नु बुलाया थी ना, जल्दी से जल्दी नहा के आओ फटाफट। नहा के तो सो गया। अच्छा हाँ, बैठो बेटा, सरगी खाओ, प्लेट्स ले लो, कटो। ये भाई साहब कहाँ से आ गए? भैया मैंने बुझड़ी बुझड़ी है। तो गाइस, आप सबको मैं ये बताना चाहती हूँ कि अरमान जी भी फास्ट रखते हैं हमारे साथ, तो इसीलिए वो सरगी के लिए उठ गए हैं। वो नहा के सो गए थे पर हम लोग नहीं सोए थे, तो ये इनको हमने उठा लिया। और ये तो हमारा बीच का बांदर है, ये तो हमारे साथ उठता है भी, जहाँ भी हम होते हैं। उधर देखो बंदर, तो ये दोनों भी फास्ट रख रहे हैं और हम दोनों भी फास्ट रख रहे हैं, तो बहुत ही मजा आएगा। चिकू का भी फास्ट है? नहीं, मैं, पायल, अरमान जी और भैया। अच्छा, मेरा भी है। चिकू का भी है? अच्छा, चिकू का भी है फास्ट। और गुड आफ्टरनून एवरीवन, तो अभी बज गए 2:00 और बहुत तेज बारिश हो रही है, मतलब बहुत तेज। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कितनी तेज बारिश हो रही है। तो मैंने और पायल ने सोचा था कि हम लोग दोपहर को जाएंगे हेयर स्टाइल करवाने, और उसके बाद घर आके हम मेकअप करके करवा चौथ के लिए रेडी हो जाएंगे। और हम लोगों ने अपने कपड़े निकाल दिए हैं, लहंगा निकाल दिया है, पर हमें समझ नहीं आ रहा कि इतनी तेज बारिश हो रही है तो उसमें हम बाहर कैसे जाएं। यार बोलू, कितनी तेज बारिश हो रही है, हम तो नीचे नहीं आ सकते यार। यही तो यार, हेयर स्टाइल कैसे करवाएंगे पायल? तू कहती चल चल रेडी हो, मुझे थोड़ी पता था कि इतनी तेज बारिश हो जाएगी। ये देख, लाइट भी चली गई यार। चल, लाइट तो भी आ जाएगी, घर पे कर लेते हैं, क्या बोलती है? लाइट भी चली गई, वहाँ जाने का भी फायदा नहीं, ठीक है? और लाइट अभी आ जाएगी, उसे लाइट की तो प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अभी लाइट बहुत बढ़ जाती है, वो जनरेटर रखे हुए ना। तो ये सोच रहे थे हम कि बाहर से हेयर स्टाइल कराएं और मेकअप घर में करें, लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है, तो अब मेकअप भी घर में होगा
और हेयर स्टाइल भी घर में होगा। तो अब हम रेडी होने जा रहे हैं क्योंकि 2:30 बज गए हैं। हाँ, 2:30 बज गए, 2:30 बज गए हैं और 4 बजे हमें कहानी सुनने जाना है। तो अभी से अगर रेडी होना स्टार्ट करेंगे तो, पर मैं ये सोच रही हूँ अगर बारिश ऐसे कंटिन्यू होती रहे तो यार सारी औरतें जो इतनी सुंदर सुंदर रेडी हुई कैसे नीचे जाएंगी। और दूसरी बात ये भी है कि यार चांद का नहीं पता चांद कितने बजे निकलने वाले हैं, सूरज का ही पता भी, क्योंकि सूरज नहीं निकला तो चांद क्या निकलेगा। आज मुझे लगता है 11:30-11 बजेंगे चांद के लिए। तो देखते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को भी ऐसा लगता था जो इसे अलग अलग करता है। और सभी राज्यों में करवा चौथ एक ही दिन मनाया जाता है। करवा चौथ का दिन और संकष्टी चतुर्थी जो कि भगवान गणेश के लिए उपवास करने का दिन होता है। करवा चौथ के दिन को कारक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा नहीं होता हड़ी भैया, क्या होगा अगर आपका वर्त है तो आपको अगर मतलब मुंह के अंदर कुछ हाँ स्प्लिट करने जाना पड़ेगा वॉशरूम में, आप उसको अंदर नहीं ले जा सकते। हाँ, अगर जैसे मैं जैसे बोलती हूँ या खांसी आती है तो अगर फॉर एग्जाम्पल आ जाता है तो मैं वॉशरूम जाती हूँ उसको करने, तो भी सूख रहा है ये क्योंकि अंदर जा ही नहीं रहा। तुम ज्यादा मत बोलो, जाके अपना आराम वराम कर लो भैया, ठीक है। देखो हमारा फर्ज क्या है कि आप एक धर्मपति हो अच्छे से, तो इस दिन अपनी बीवियों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखो, वो आपके लिए कर रही हैं, तो जितना हो सके उनको आराम कराए और ऊपर वाले से दुआ करें कि जल्दी से चांद निकल आए। जी मैं एक बात बोलूंगी, हमेशा ऐसे होता है, हर साल होता है करवा चौथ वाले दिन चांद हमेशा लेट आता है, तो आज भी लग रहा है 9:30-10 बज जाएंगे चांद को आने में। होता है ना जिस चीज का इंतजार करता है ना आदमी, जैसे कोई भी काम लगा लो, अगर आप पढ़ाई करते हो तो आपको जॉब का इंतजार रहता है, जब जॉब लग जाती है तो आपको प्रमोशन का इंतजार रहता है, तो सेम डे ही होते हैं। पर आपको लगता है क्योंकि आज के दिन ही चांद की ज्यादा केयर और पूछ की जाती है, तो इसलिए वो लेट तो आएगा यार, ग्राहक बनता है चांद और पति। शाम के बज गए हैं 6:15, हम लोगों ने कथा जैसा कि सुन ली है और सुनने के बाद हमने सोचा थोड़ा रेस्ट करें, पर हमने रेस्ट नहीं किया, हम रील्स बनाने लग गए और रील्स बनाने की वजह से हम लोग इतना थक गए हैं। एक तो इतना हैवी लहंगा, बैंगल्स, ज्वेलरी, और ज्वेलरी भी हमने इतनी बार चेंज की है, इतनी बार कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कौन सी ज्वेलरी जाएगी कौन सी ज्वेलरी जाएगी, तो लास्ट में मुझे यही समझ में आई तो मैंने ये पहन ली। और गोलू की भी मैंने चेंज कराई बहुत बार, तो मैं सोच रही हूँ अभी थोड़ा सा घर को क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि घर हमने फैला दिया दोनों ने, इतना चेंजिंग कर करके गोलू भी आ गई है। अचानक से ना सर में दर्द सा हुआ मेरे को, तो चक्कर जैसे आ रहे हैं। नहीं नहीं यार बैठी ना, मेरे सर में दर्द सा हुआ अचानक, मेरे को तो चक्कर जैसे आ रहे हैं, बार बार चक्कर आ रहे हैं। मैं क्या करें, आप लोगों को जो मेन चीज होती है ना, भूख की नहीं इच्छा होती इंसान को कि भूख नहीं लगती, बट जो ये चीज होती है ना, यहाँ प्यास बहुत लगती है, तो हर औरत के साथ यही हो रहा है कि प्यास लग रही है, भूख की इच्छा बिल्कुल नहीं है, भूख लग रही है, सर में दर्द हो रहा है। और मुझे लग रहा है कि ना शांत ज्यादा लेट होगा क्योंकि आज बारिश आई थी तो सूरज भी छुप गया था बादल में, तो चांद भी छुपा। आज का करवा चौथ ना मुझे लगता है जितने भी सालों का करवा चौथ गया ना उससे सबसे कठिन आज का होगा, क्योंकि पूरा दिन बारिश हुई है और मौसम इतना खराब, तारे भी नहीं दिख रहे थे, सूरज भी दिन लेट निकला है, तो मुझे लग रहा है चांद भी बहुत लेट आएगा, मतलब 11:12 बजेंगे आज। सच में बहुत कठिन होता है, और मैंने भी पहली बार रखा है, और वो भी सिर्फ इन दोनों जो मेरी धर्म पत्नियां हैं इनके कहने से। बस देख रहा हूँ कि कब चांद निकलेगा, आज वेट मुझे भी है चांद का कि जल्दी से चांद निकले और जो भी प्रक्रिया है उसको खत्म करे। देख लेना मैं बता रही हूँ 9:30-10 के बीच में निकलेगा। मैंने न्यूज पे चेक की है, देख लिया मैंने न्यूज में, इतनी ज्यादा वेट नहीं हो पा रहा था तो मैंने न्यूज पे चेक किया आज चांद कब निकलेगा, टाइम बता दो तो टाइम बताया 9:30-10 बजे निकलेगा। और एक ने तो इसके व्हाट्सएप पे मैसेज किया है कि आज मौसम की खराबी की वजह से चांद ना निकल पाए तो अपना चांद बना दो, तो अपने चांद कैसे बनाए। मुझे किसी ने बोला है कि अगर चांद नहीं निकलता तो आप क्या करो, चंद्रमा प्लेट पे चावल लेके सफेद चंदन से चंद्रमा की आकृति बनाकर उन्हीं को अर्घ दे दो, मतलब अगर चांद ना निकले आज, तो ऐसे व्हाट्सएप भी आ रहे हैं। पर मैं वेट करूंगी चांद का, कोई बात नहीं, हम वेट कर रहे हैं, कुदरत है, कुदरत कभी भी किसी के कहने से हटती या फिर अपनी मर्जी से आती है। हम जो है वो सोच रहे हैं कुछ चेंज कर लें कपड़े, तो जो कपड़े थे वो यहाँ पे पड़े हुए हैं, दिखा तो दे मैंने। और अभी गोलू जो है पहले उसने ये बैंगल्स पहने थे, अभी वो चेंज कर रही है, ये एक नया सेट बनाया शाम के लिए, तो मैंने और पायल ने शाम के लिए सेम सूट पहनेंगे, मैं और पायल, तो बहुत ही सुंदर सूट पहनेंगे हम। पर उससे पहले पूरा घर फैला हुआ है क्योंकि आज आपको पता है आंटी तो आई नहीं, सबका फास्ट है,
तो मॉर्निंग से मैं और पायली काम कर रहे हैं। अभी जो है हमने बैंगल्स वैंगल्स सब जो है वो ऐसे खिलरी पड़ी है, सब सेट करना है। मुझे लगता है घर समेटने में 2 घंटे लगेंगे। और मेरे को अभी बर्तन धोने बहुत सारे हैं, और गोलू ने इनके लिए चाय बनाई थी, तो चाय जो दूध है वो पूरा गैस पे गिर गया है, पूरा नीचे गिर गया है, तो मुझे क्लीन करना है अभी, तो उसमें मुझे 1 घंटा लगेगा। तो मिलते हैं आप लोगों से बाद में थोड़ी देर बाद। हाँ, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा काम करना है। तो शाम के 9 बज चुके हैं और चांद मुझे नहीं लग रहा कि 11 बजे तक आएगा, जैसा कि मैंने पहले बताया था, क्योंकि बिल्कुल काला बादल है, काला पूरा आसमान है, तो कहीं तारे भी नहीं दिख रहे हैं। तो बहुत ज्यादा मतलब भूख नहीं लग रही है बिल्कुल भी। हाँ, बिल्कुल भूख नहीं लग रही, बस हाँ थोड़ा सा ये हो रहा है कि गला सूख रहा है अभी, क्योंकि काफी टाइम हो चुका है। मोस्टली क्या होता है 9:30-10 बजे तक चांद निकल जाता है, जो हमेशा होता है, तो 9 बज गया और मुझे लगता नहीं 11 बजे से पहले आएगा। तो मैं और पायल तो रेडी हो चुके हैं बिल्कुल। तो हमारी आवाज से भी पता लग रहा होगा आपको कि गला सूखा हुआ है, जी प्यासे हैं। सच्ची बात है, कब चंदा मामा आएंगे, कब हमें हमारे पति परमेश्वर पानी पिलाएंगे, बस इसी चीज का इंतजार है। चांद छुप गया था बादल के पीछे। देखो चांद आया, साउंड पे वीडियो भी बनाना भी हमारी। तो क्या हुआ, मैं सो गया था और आधा घंटा पहले चांद आ गया, तो मेरे धर्मपत में इतने अच्छे है, मुझे उठाया नहीं है। लव यू सो मच, बहुत सारे अंकल, लव यू टू, लव यू 3-4। चलो चीकू क्या कर रहे हैं, चलिए पकड़ो, मुझे थोड़ी देखना है, मैं उसमें तुम्हें थोड़ी देखूंगा। नहीं, 2 बार देखेंगे ना यार, ये तो एक बार बोलो देखेंगे, एक बार मैं देखूंगी ना, दोनों का एक साथ थोड़ी चलने में देख सकते हैं। आपका स्पेशल होता है ना, अच्छा मेरा स्पेशल होता है, सुन रहे आप, स्पेशल होता है मेरा, तेरा मैं करूँगा बेटा। क्या कह रहे हैं चीकू, क्या कह रहे हैं, मैं करूँगा ना बेटा तेरा, मुझे देखना वो चांद नजर आया, चांद नजर आया, फटाफट कर लो, वो छुप रहा है बारिश की वजह से। चीकू भी पूजा कर रहा है, हवा भी तो बहुत तेज चल रही है। रुको, पिला दो इसमें पानी है। हाँ अभी पिलाऊं बेटी, अभी पिलाऊं, ये पकड़ो। रुको, नहीं जल्दी जल्दी रुक जा, चांद को पहले पानी चढ़ाना है, दोनों पहले तू कर ले। हमारे घर में बड़ा बूढ़ा मैं ही हूँ और मुझे नहीं पता, गलती मलती माफ करवा ला है, पता है नादान बच्चे हैं। अभी देखा ना तूने पहले, बस छुपता रहेगा, आता रहेगा। सदा स्वागत हो, सदा स्वागत हो, गलत बात है ना, सॉरी बोलो। भगवान को प्रसाद चढ़ा यहाँ पे हमने, मेरे को तो मिलाया नहीं किसी, मैं लेता नहीं, मैं पाए राजा नहीं हम वो तो मांगे, आपका भी तो फास्ट है ना। तो अब हम जा रहे हैं डिनर के लिए बाहर, क्योंकि हमने पहले ही प्लान कर लिया था हम डिनर के लिए बाहर जाएंगे, साथ ही चलेंगे। दो लाइनें हो जाए, दो लाइनें जितने लोग भी हैं अपने फैमिली का ध्यान रखें, ये आपको हर दिन खुश रखने की कोशिश करते हैं, खाने में कभी चाय में कभी ये मेरा पति का मूड ख़राब ना हो, छोटी छोटी चीज़ों को आगे परोसती रहती है, तो जितना हो सके फैमिली का ध्यान रखें, जैसे सब लोग रखते हैं वैसे। और सारी बीवियां अपने पतियों का भी ध्यान रखें, क्योंकि वही हैं जो घर के कर्ता धर्ता होते हैं, पूरा घर उनके हाथ में होता है। थैंक यू सो मच, नमस्कार, बाबा, चलो तो मौसम ने काफी परेशान किया आज हमें, और चांद बहुत ही मुश्किलों से आया और हम लोगों ने चांद देख लिया है, चांद को अर्घ दे के पानी पी लिया है। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय। अभी मैं लेके जा रहा हूँ उनको बाहर कुछ खिलाने पिलाने, वो आपको दूसरे व्लॉग में मिल जाएगा जो आई बटन में।